うん。 जय वॉरियर्स वेलकम टू एम बाइव अचीवर्स नेटवर्क आई एम रोहित ठाकुर एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है वॉरियर्स जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके जिन्होंने अभी तक वॉरियर्स एम बाइप की अप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है एम बाइप की अप्लीकेशन डाउनलोड करिए जहाँ पे आपको मिलती है ए आई बेस्ड लर्निंग हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पर अवेलेबल है आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी जस्ट सेलेक्ट करनी है एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट और बुक्स भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए एक बार हम करेंगे रिविजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजन चलिए पिछली वाली क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है सबके सब कमेंट करके जो है इसका आंसर बताएंगे विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली बिकम परमानेंट एससीओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए रिसेंटली जो है परमानेंट मेंबर आपको बताना है एस का शंघाई को ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कौन बना है बिल्कुल सही आंसर है सबका बिल्कुल ध्यान रखेंगे सबके सब ईरान जो है बिल्कुल करेक्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड बाय यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ये भी आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या होगा देखो भाई अब एग्जाम जो है आपका पास धीरे धीरे आता जा रहा है अब होता क्या है अगस्त जून जुलाई अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये वाले जो आपके महीने यहां से जो है आपका सेवेंटी टू 80 परसेंट जो है करंट अफेयर्स सीडीएस में एनडीए में पूछा जाता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई सही आंसर क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर है सबका एप्सोल्यूटली करेक्ट राजेंद्र सिंह दत्त जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइव मेंबर ट्रेनिंग डेलीगेशन फ्रॉम लेबनीस आर्म्ड फोर्सेस लेड बाय ब्रिगेडियर जनरल हुसैन बाजी रिसेंटली विजिटेड दमांड ऑफ द कमांड ऑफ इंडियन नेवल फोर्सेस ये आपको बताना है इन्होंने रिसेंटली जो है कौन सी कमांड को विजिट किया है वेस्टर्न कमांड वेस्टर्न नेवल कमांड ईस्टर्न नेवल कमांड सर्दर्न नेवल कमांड या फिर अंडमान कमांड जो कि एक तरीके से क्या है ट्राइलेटरल हमारी कमांड है सर्विसेज की कमांड है बताना है आपको कौन सी कमांड जो इन्होंने विजिट करी है बिल्कुल सही आंसर है सर्दन नेवल कमांड जो है इन्होंने विजिट करी है बिल्कुल करेक्ट आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च भारत सिक्स जी इन न्यू डेली वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताना है भारत सिक्स जी अलायंस नई दिल्ली में जो है किस मिनिस्टर ने जो है लॉन्च किया है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश हाँ जी बिल्कुल सही है अश्वनी वैष्णव जी ने जो है इसको लॉन्च किया है आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बैच जो है आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है अचीव सी डी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप एस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एस का बैच भी जो है हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड ई सरस मोबाइल ऐप चलिए भाई शाबाश वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली लॉन्च करी है ई e सरस उसका जो है आपको बताना है बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आ सकता है आपके एग्जाम में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हाँ जी बिल्कुल आपको ध्यान रखना एब्सोल्युटली करेक्ट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट मेड बाय वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है इसको जो है बेसिकली ये प्रमोट करता है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मो जंगल जमी योजना स्कीम एम्ड एट बोलस्टरिंग फॉरेस्ट राइट्स अमंग ट्राइबल्स ये आपको बताना है गुजरात जम्मू एंड कश्मीर उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ चलिए भैशाबाद जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है लॉन्च किया है मो जंगल जमी योजना जिससे भी बेसिकली फॉरेस्ट राइट जो होते हैं ट्राइबल्स के अमंग उसको जो है प्रमोट किया जाएगा किया जाएगा जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बिल्कुल सही आंसर है उड़ीसा जो है आपको ध्यान रखना दैट इज करेक्ट आंसर तो वॉरियर्स ये थे आपके रिवीजन के क्वेश्चंस अब डिटेल में आज की न्यूज डिस्कस करेंगे इससे पहले भाई स्टार्ट करें एक बार सबके सब, सब दोबारा से जो है अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है लिंक को जो है आज की क्लास का शेयर कर देंगे चलिए भाई शाबाश पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स फर्स्ट न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान देंगे ये हमारी आती है डिफेंस रिलेटेड न्यूज जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 प्लीज नोट डाउन करते चलिए एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कहां कहां से पूछा जाएगा मैं पूरा बताऊंगा आपको एक्सरसाइज का नाम आपको ध्यान रखना है जिमिक्स 2023 किसके बीच कंडक्ट करी गई है अगर एग्जाम में आता है तो इंडिया ने कंडक्ट करी है ये जापान नेवी के साथ मेरी टाइम एक्सरसाइज है मतलब भारतीय नौसेना ने जो है इसको इसमें पार्टिसिपेट किया है साथ ही साथ जापान की नेवी ने पार्टिसिपेट किया, सब सब। ने किया है कहां पर होस्ट किया है विशाखापट्टनम में पांच जुलाई से दस जुलाई तक जो है इसको होस्ट किया जाएगा दिन जिमेक्संस इट इंसेप्शन इन टू थाउजेंड ट्वेल्व पार्टिसिपेशन इन आई एन एस फर्स्ट इंडिजिन बिल्ड गाइडेड मिजाइल डिस्ट्रॉयर आई एन एस कमोरता एंड इंडिजिनियसली डिजाइन एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्बिट ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है फ्लीट टैंकर जिसका नाम है आई एन एस सख और एक सबमरीन है ये एक मेरी पेट्रोल वेसल एयरक्राफ्ट जिसको हम पी एट आई पॉयडोन बोलते हैं जो रिसेंटली इंडियन नेवी ने टेकओवर किया है साथ ही साथ डॉर्नियर शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट में जो है इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया देखो भाई बहुत ज्यादा इसमें क्या है बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स जो है लाए गए हैं पार्टिसिपेट किया तो आपके चांसेस क्या है चांसेस ये है कि एग्जाम में पूछा जाएगा कहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है इनमें से चार ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं किस कंट्री के साथ जो है हम जिमिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है क्लियर है जिमिक्स देखो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी From each other's best practices and facilitate operational interaction between India and Japan Maritime Self defense Force to foster mutual cooperation, reaffirm their shared commitment towards maritime security in region. Exercise between India and Japan के बीच कौन-कौन सी होती हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल मालाबार होती है। Tri-lateral exercise इसको बोलते हैं हम। ठीक है मालाबार ट्राइलेटरल जो है उसमें भारत है जापान है यूनाइटेड स्टेट्स है और एक और है मालाबार क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया भी अब शामिल हो गया है ध्यान देंगे सबके सब, सब। शिन्यू मैत्री जो एयरफोर्स के बीच होती है धर्मा गार्डियन जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये पूरी एक्सरसाइज आपको बाई हार्ट जो है याद होनी चाहिए जो कि कंडक्ट करवाई जाती है जापान के साथ ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स हैश टू की तरफ बढ़ेंगे हम अगेन आपको ध्यान रखना है एक चैटबॉक जो है रिलीज किया गया है अगर ये भारत ने रिलीज किया तो ये हो जाती है हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज इंडिया फर्स्ट टेली मनस चैट बॉट लॉन्च इन जे एंड के first, JNK, आपको ध्यान देना है जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट मनस चैट बॉट इन दूनियन टेरिटरी विच विल इंश्योर राउंड द क्लॉक सर्विसेज ऑफ हेल्थ काउंसलर्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट्स ये जो है आपको ध्यान में रखना है दिस चैटबॉट विल इंश्योर राउंड द क्लॉक सर्विसेज ऑफ हेल्थ काउंसलर्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट वाज लॉन्च्ड इन जे एंड के तो ये आपको ध्यान रखना है जैसे चैटबॉट जो है जो क्वेरीज को रिजॉल्व करता है ये जो है अब बेसिकली किया गया है रिलीज कहां पर करा गया है अपना जे एंड के क्लियर है सबको एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई शाबाश एवरी वन हाँ जी बिल्कुल अब देखिए भाई ये भी आपको ध्यान रखना Telement, था सेंटर है बजट ऑफ बजट 2022 अनाउंस दी नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट दैट इज टेली बनस ठीक है अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टेलीमेन इज अ टू टायर सिस्टम अब ये पूछा जाए आपसे कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर जो है ये बेसिकली uh, रिलीज uh, किया गया है तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर जो है इसको रिलीज किया गया है अब देखो भी क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे ठीक है कौन सी स्टेट uh, या यू ने जो है बेसिकली लॉन्च uh, किया है इसमें लॉन्च किया गया है तो जे आपको ध्यान रखना है टेलीमनस किस चीज के साथ रिलेटेड है हेल्थ सर्विसेज के साथ रिलेटेड है साइकोलॉजिस्ट जो है कंसल्टेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस चैटबॉट में जाके डायरेक्ट जो है बेसिकली क्या कर सकते हो अपना सोल्यूशन uh, जो है प्रॉब्लम का निकाल सकते हो तो ये आपको ध्यान में रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टायर वन टायर टू की भी बात कर लेते हैं टायर वन प्राइजेस स्टेट टेलीमनस सेल्स विच इंक्लूड ट्रेन काउंसिलर एंड मेंट, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट टीयर टू की बात करी जाए कंप्राइज़ स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट एट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम मेडिकल कॉलेज रिसोर्स ऑफ़ फिजिकल कंसल्टेंट कंसल्टेशन एंड संजीवनी फॉर ऑडियो विजुअल कंसल्टेशन तो इसमें देखो भाई टायर टू रहेंगे टेली आ, मनस हेल्थ में जो टियर वन होगा उसमें बेसिकली जो आपके काउंसलर्स होंगे वो जो है एक स्टेट लेवल पे जो है रहेंगे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे टियर टू की बात करी जाए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो आपके मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे ताकि आपकी जो है मेंटल हेल्थ या फिर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड करवा पाएं ये आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ सेट दी बेम्बो आई थिंक कोई मर्ज हो चुकी है न्यूज <coughs> <News. coughs> चलिए भाई ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आई आई टी कैंपस आउटसाइड इंडिया टू कम अपन तंजानिया जंजीवार ये आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है पहली आई आई टी का जो कैंपस है इंडिया के बाहर जो है तंजानिया में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट <coughs> फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप इन तनजानियां ड्यूरिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट टू अफ्रीकन नेशन अब देखो भाई ये बेसिकली मेमोरेंडो ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, है साइन किया गया है आई आई टी मद्रास के आई आई टी मद्रास के बीच और आपको ध्यान रखना है जंजीबार तंजानिया की मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ बेसिकली जो है साइन किया गया है तो ये इन्होंने क्या डिसाइड किया है भाई इन्होंने डिसाइड किया है कि आईआईटी मद्रास का जो है एक आईआईटी का जो आउटसाइड इंडिया कैंपस है वो पहला कहां बनेगा तंजानिया के जंजीबार जगह पे जो है ये बनेगा जंजीबार जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है आग पेलागो है इट इज सेमी ऑटोनोमस रीजन ऑफ तंजानिया

मेन की जो क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी है उनके चेयरमैन रिसेंटली जो है कौन अपॉइंट करे गए हैं तो एक तरीके से गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्लस अपॉइंटमेंट्स का भी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अजीत अगरकर जो एक बहुत ही जबरदस्त बॉलर रहे हैं भारत के लिए हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीनियर मेन्स क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी द सिलेक्शन कमेटी नाउ कंसिस्ट ऑफ अजीत अगरकर शिव सुंदर दास सुब्रोतो बनर्जी सलील अंकोला एंड श्रीधन शबनाथ शरत अब आप देखें अजीत अगरकर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 26 टेस्ट 191 ओडीआई एंड 4 इन एडिशन टू प्लेइंग 110 फर्स्ट क्लास ये पूरी उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपको सिर्फ ध्यान में रखना है अजीत अगरकर को जो है सिलेक्शन कमिटी का जो है चेयरमैन अपॉइंट किया गया है मेन सिलेक्शन कमेटी की जब हम बात करते हैं आगे बढ़ेंगे अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस रिलेटेड है प्लीज ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर अपॉइंटेड एज हेड ऑफ नेशनल क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अब भाई ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल देंगे लेफ्टिनेंट जनरल नायर हैज बीन अपॉइंटेड एज दी हेड ऑफ नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर आफ्टर रिप्लेसिंग लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत जी को जो है इन्होंने रिप्लेस किया है अब ये जो है बेसिकली हेड करेंगे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर को Additionally, he has served as the additional डायरेक्टर जनरल हेड ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कोर एंड कमांड previously जनरल नायर सर्वड एज आर्मी हेड क्वार्टर चीफ सिग्नल ऑफिसर जो है ये रह चुके हैं अब जो है बेसिकली ये क्या head करेंगे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो होता है भारत भारतीय सेना का उसको जो है ये अब हेड करेंगे ये बेसिकली जो है NDA डी ए के एलमनाए हैं एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के इनके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज भी है चलिए इतनी न्यूज क्लियर है एक बार सबके सब कमेंट करके बताएंगे भाई शाबाश सैटरडे वार्ता प्लीज इस बार जो आपको ध्यान रखना है दोपहर तो बारह बजे आठ जुलाई को हमारे टॉप एजुकेटर्स जुड़ेंगे आपके साथ कोई भी अगर डाउट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे अगेन इंपॉर्टेंट है अगेन ये तरीके से आपसे देखा जाए तो ये है स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड न्यूज मनीषा नेम्ड मेन्स एंड वुमेन्स ए आई एफ एफ प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्लीज ध्यान देंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अनाउंस दिनर्स ऑफ एनुअल अवार्ड आफ्टर द एग्जीक्यूटिव कमेटी लू टाइगर्स विनर ललियनजुला शेंगते ये आपको ध्यान रखना है एन इंटीग्रल मेंबर ऑफ इंडिया टीम एट चैंपियनशिप हैज बीन एडजस्ट विद द सीनियर प्लेयर ऑफ ईयर है मनीषा कल्याण जी जो है इनको जो है ईयर अवार्ड या फिर एक्ट ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है प्लीज ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो प्लीज ध्यान रखिएगा शेंकटे जी है जो है इनको मेन्स में दिया गया है मनीषा जी को जो है वुमेन में जो है ए आई एफ एफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है चलिए भाई अब आता है फेवरेट टाइम सबका रिवीजन करेंगे एक बार क्लास का क्वेश्चन पहला जो है रिवीजन का आपके सामने है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सबके सब सेवेंथ एडिशन ऑफ बाइलेटर जापान इंडिया मेरी एक्सरसाइज 2023 आपको बताना है रिसेंटली कंडक्टेड कहां पे हुई है ये विशाखापट्टनम में हुई है इनिशिएट कब किया गया था इस एक्सरसाइज को जेमिक्स को जो एक मेरी एक्सरसाइज है चलिए भाई 2008, 2010, 2012 या फिर 2015। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है सबका भाई एब्सोल्युटली करेक्ट ध्यान देंगे सबके सब ये आपको ध्यान रखना है 2012 में जो है इसको इनिशिएट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी अभी हमने कवर इंडिया फर्स्ट टेली मनस चैट बॉट विल बी इंश्योर राउंड द्लॉक सर्विसेज फॉर हेल्थ काउंसलर्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट रिसेंटली लॉन्च इन विच यूटी और स्टेट हाँ जी बिल्कुल सही है जम्मू एंड कश्मीर अभी अभी हमने डिस्कस किया था जम्मू एंड कश्मीर में जो है इसको लॉन्च किया गया है नेक्स्ट न्यूज देखेंगे वॉरियर्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड एंडवेज इज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट इम्प्लीमेंट बहुबली कैटल फैम्स अलॉन्ग हाईवे इन इंडिया द फेंस इज बींग मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दटीरियल चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश बिल्कुल सही है बैम्बू से जो है ये बन रहा है वेरी गुड नेक्स्ट न्यूज आई आई टी बेसिकली आपको आई आई टी मद्रास की यहां पर बात हो रही है उसका एक आउटसाइड कैंपस बन रहा है अभी अभी हमने डिस्कस किया था वो कौन से देश में जो है बन रहा है जंजीबार तंजानिया जो है बिल्कुल सही आंसर है वेरी गुड अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई मेन्स की बात करी जाए तो सीनियर मेन्स क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का जो है चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है भाई ये जो है आपको कमेंट करके बताना है हाँ जी चलिए शाबाश जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है सबका अजीत अगरकर जी को जो है अपॉइंट किया गया है सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए आई एफ एफ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द ए आई एफ एफ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 2023 चलिए भाई इजी क्वेश्चन देखते हैं किस किस को जो है इसका याद है अभी अभी हमने कवर किया था ये वाला क्वेश्चन ललियन जुला शैंगटे जो है बिल्कुल सही है वॉरियर्स एब्सल्यूटली करेक्ट आंसर तो भाई ये थे वॉरियर्स आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड करिए एम बाइप की एप्लीकेशन तो जो आप स्क्रीन के ऊपर बैचेस देख रहे हैं ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप लाइव बैचेज वीडियो लेक्चर्स हर चीज जो है देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का टेलीग्राम जो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में रेगुलर पीडीएफ क्लासेस के लिंक्स आपके साथ शेयर करे जाते हैं और जो है, रेगुलर बेसिस पे शेयर करे जाते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट इज योर सैटरडे वार्ता जो दोपहर तो बारह बजे जो है आठ जुलाई को होगी टॉप एजुकेटर्स जो है आपके साथ जुड़ेंगे और कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी एग्जाम रिलेटेड तो आप हमारे टॉप एजुकेटर्स से जो है पूछ सकते हैं इस क्लास में फिलहाल इतना ही की Keep imbibing. We believe in you.